आज की आपकी वैकेंसी रहने वाली है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबल ब्रांचों की, तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी, काफ़ी पोजीशंस के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके ऑफिशियल नोटिस में आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 16 सितंबर को जारी किया गया है। ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। अब बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं 17 सितंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 1 अक्टूबर रहने वाली है। और काफ़ी पोजीशंस के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन सभी वैकेंसियों के लिए यहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अब बात कर लेते हैं आपके पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी क्या रहेंगी, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर क्या मांगी गई है, मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी कितनी रखी गई है। तो जिन वैकेंसियों में आपसे सबसे कम एक्सपीरियंस मांगा गया है, सबसे पहले हम उनके बारे में ही बात करेंगे। तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेक्नीशियन सिविल के लिए। यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है, ये रिक्रूटमेंट आपकी पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। तो सैलरी आपकी यहाँ पर 20,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 साल का मांगा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 30 ईयर रहने वाली है। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सेक्शन इंजीनियर सिविल के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 40,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे बीबीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। बात कर लेते हैं आपके एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर आपसे जो है मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 40 ईयर रहने वाली है। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रोक्योरमेंट के लिए। यहाँ पर सैलरी आपकी 46,000 रुपये से लेकर 1,45,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। यहाँ पर बीबीटेक आपसे मांगा गया है एनी डिसिप्लिन में। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या आपने किसी भी ब्रांच से, और आपके पास मिनिमम जो है सुपरवाइजरी का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 32 ईयर रखी गई है। और अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे बीबीटेक मांगा गया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मिनिमम आपके पास यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 ईयर रखी गई है। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये रहने वाली है। बीबीटेक आपसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है और मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये प्रति मंथ रखी गई है। यहाँ पर आपसे बीबीटेक मांगा गया है एनी डिसिप्लिन में। इसके लिए जो है आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। बीबीटेक आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 ईयर रखी गई है। और अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैनेजर प्लानिंग के लिए। सैलरी आपकी यहाँ पर 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक रहने वाली है। बीबीटेक आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और भी यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन उनके लिए जो है आपसे यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे आपकी पोस्ट सीनियर डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर की रहने वाली है, सैलरी आपके यहाँ पर 80,000 रुपये प्रति मंथ रहेगी और मिनिमम आपसे यहाँ पर 11 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है एडिशनल जनरल मैनेजर की, यहाँ पर भी आपसे BBTech मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग में सैलरी आपकी यहाँ पर 1,00,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है और पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, BBTech आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और सैलरी आपकी यहाँ पर 1,20,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है और इसके लिए जो है आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल EWS OBC के लिए 400 रुपीज़ रहने वाली है और भी जो आपकी अदर कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर BBTech कर रखा है इन दी गई हुई ब्रांचों से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें।